हेलो गाइस, दिस इज़ अलौकिक। आप देख रहे हैं अलौकिक डॉट उत्कर्ष। आज की वीडियो में आपको अपनी साइकिल के कुछ टॉप 10 कूल फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से चलते हैं टॉप 10 कूल फीचर्स की ओर। नंबर 10, लॉकआउट सस्पेंशन। ये जो डायल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप अपने सस्पेंशन को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, जब आप प्लेन रोड पर चलाते हैं तो आपको सस्पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेव होगी। इस तरह से ये लॉक हो जाता है, और जब आप ऑफ रोडिंग करें तो आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो है ना ये बिल्कुल एक कमाल का फीचर। मैंने तो ये पहली बार ही सुना था। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, क्या ये आपने पहली बार सुना है या आप इससे पहले भी इस फीचर्स को जानते थे। ये देखिए, मैं आपको सस्पेंशन को प्रेस करके दिखा रहा हूँ, अभी ये अनलॉक है। अगर मैं इसको लॉक कर दूँगा, जैसे कि मैंने अभी डायल को राइट तरफ घुमा दिया, तो ये लॉक हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, हो सकता वो भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर लगे। ये जो डायल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि इस पर लिखा है प्रीलोड, उसी तरीके से ये काम करता है। आप इसमें अपने वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका सस्पेंशन आपके वेट के अकॉर्डिंगली वर्क करे। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप अपनी साइकिल को राइड करते हैं तो आप किसी भी टेरेन में बहुत ही ईजीली राइड कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट, स्नो, माउंटेन, और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर ट्रैक पर करें तो आप इसको स्टिफ़ रखेंगे तो आपकी हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिखता है। ये सस्पेंशन के लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, राइट साइड में लॉकआउट वाला स्विच है। नंबर 8, मल्टी फंक्शनल स्पीडोमीटर। इस साइकिल में एक स्पीडोमीटर भी है जो कि इसके हैंडल बार पर लोकेटेड है, जिसमें आप अपनी स्पीड के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि ओडो, डिस्टेंस, मैक्स स्पीड, एवरेज स्पीड, यहाँ तक कि आपको इसमें टाइम भी पता चल जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको कि आप जब चलाते हैं साइकिल तो आपको एक्यूरेटली पता चल जाता है आपने कितने किलोमीटर राइड करी, और इसको ईजीली डिटैच भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। डिटैच करने के बाद आप आराम से अपने बैग में रख सकते हैं या अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, पर फिर भी आप रख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके स्पीडोमीटर में ये स्पीड कैसे दिखाता है। अभी मैं साइकिल चला रहा हूँ और इसमें ये स्पीड शो कर रहा है 9.3 की। अब मैं थोड़ी सी स्पीड अप करूँगा, अब देखते हैं ये कितने की दिखाएगा। अब इसमें ये दिखा रहा है 14 अप्रॉक्स, और थोड़ा फास्ट ले जाते हैं। अब इसकी स्पीड 21 पे पहुंच चुकी है, और आप देख सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड में है ये। ये था इस स्पीडोमीटर का एक छोटा सा डेमो। साउंड डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने लाइव कैमरे से रिकॉर्ड किया है, इसलिए एयर नॉइज आ रही थी। नंबर 7, क्विक रिलीज। जी हाँ, मेरी फैट बाइक के फ्रंट टायर में क्विक रिलीज मिलता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोटा सा लीवर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो मैं अपने टायर को बिना किसी प्रॉब्लम के अलग कर सकता हूं और रिलीज़ कर सकता हूं, ताकि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके कहीं भी ईजिली कैरी कर सकूँ या रख सकता हूँ। नॉर्मली ये क्विक रिलीज सीट्स में आता है, पर मेरी फैट बाइक के फ्रंट टायर में भी है। पर अब ये क्विक रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, हर तरीके की साइकिल्स में आता है। नॉर्मल साइकिल्स में सीट में आता है, पर मेरी सीट और टायर दोनों में ही है। इसका मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। मैंने लीवर खोल दिया है और मैं अपनी सीट को ईजीली नीचे कर सकता हूँ, और नीचे करने के बाद बस मुझे लीवर को क्लोज़ करना है और मेरी सीट हाइट लॉक हो जाएगी। ये बहुत ही ईजी है।
ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सीट के हेड को एडजस्ट करने में। नंबर 5, अलॉय पैडल विद स्पाइक्स। मेरी फैट बाइक के जो पैडल्स हैं वो अलॉय की बनी हैं, क्योंकि ये फैट बाइक इतनी हैवी है, अगर आप इसको फास्ट स्पीड में राइड करेंगे और अगर इसमें प्लास्टिक के पैडल्स होते तो ये काफ़ी जल्दी टूट जाते, पर इसमें अलॉय के पैडल दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। और ये जो आप स्पाइक्स देख रहे हैं, इनसे आपके शू की ग्रिप भी बहुत अच्छी बनती है। आप इसको कितना भी फास्ट राइड करें, ये कभी स्किट नहीं करेगा। नंबर 6, वेंडर किंग 4+ रोड टाइप टायर्स। इसमें आपको वेंडर किंग कंपनी के रोड टाइप टायर्स मिलते हैं जो कि स्पेशली रोड पे चलाने के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। मैं आपको वेंडर किंग की बैजिंग दिखा रहा हूँ और ये है 26x4। इसमें कूल ये है, नॉर्मल फैट बाइक्स में आपको ऑफ रोडिंग टायर मिलते हैं जिनका जनरली कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम लोग कभी ऑफ रोडिंग पे नहीं जाते हैं, ना किसी डर्ट में चलाते हैं, तो उनकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती है रोड पे। पर अगर हम इस फैट बाइक को रोड पे चलाते हैं तो ये स्पेशली रोड के लिए डिज़ाइन करी गई है, तो इसकी ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी हैवी कर लेती है ये। आगे पीछे दोनों ही टायर्स वेंडर किंग के 26x4+ टायर्स हैं। नंबर 4, कंफर्टेबल सीट विद मल्टी यूटिलिटी हैंडल। इसकी सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नॉर्मल फॉर्म की बजाय मेमोरी फॉर्म का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और कितने भी हैवी वेट डालने के बाद अपने शेप में वापस आ जाती है। और सीट के पीछे एक यूटिलिटी हैंडल भी दिया गया है जिसको मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये है उसका मल्टी यूटिलिटी हैंडल। इस हैंडल का यूज़ करके आप अपनी साइकिल को उठा सकते हैं और इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। नॉर्मल साइकिल्स में हम अगर देखते हैं तो हमको पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए हम बॉडी फ्रेम को पकड़ के उठाते हैं, पर इस फैट बाइक में सीट के पीछे हैंडल है और इस तरह से आप इसको उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। नंबर 3, स्टिकर लेस मैट ब्लैक पेंट। ये जो आप ब्रांडिंग देख सकते हैं ऑन ट्रैक की, ये पूरी तरीके से स्टिकर लेस है, ये पेंट से ही की गई है। इसमें जो भी हाइलाइट्स और डिटेलिंग की गई है पूरी तरीके से पेंट से की गई है, ताकि नॉर्मल चीप साइकिल्स की तरह ये रिमूव होके आपकी साइकिल को गंदा ना दिखाए। और ये है इसका मैट ब्लैक पेंट जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पर मैट ब्लैक पेंट का एक घाटा है, इसमें फिंगर टिप्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। कलर ऑप्शंस पूरी तरह आप पर डिपेंड करते हैं, आप चाहें तो ग्लॉस कलर्स भी ले सकते हैं। नंबर 2, हाई स्पीड स्टेबिलिटी। जैसा कि आपने काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स में सुना होगा कि हाई स्पीड पर जाने के बाद इन कारों का स्टीयरिंग टाइट हो जाता है, जिससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप हाई स्पीड पर चलाते हैं तो आपका हैंडल टाइट हो जाने से, आपके हल्के से हैंडल हिलाने से आपकी साइकिल की डायरेक्शन नहीं बदलती और एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बच जाते हैं, और हाई स्पीड पे आपको चलाने में मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। नंबर 1, जैगुआर शेप अलॉय बॉडी। इसके पैडल की तरह इसकी पूरी बॉडी भी अलॉय से बनी हुई है और आप देख सकते हैं खास जैगुआर शेप में डिज़ाइन करी गई है, क्योंकि जैगुआर ब्रांड की है, तो जब इसको आप साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसा लगता है एक जैगुआर रन कर रहा हो। अभी मैं आपको एक साइड से फ़ोटो जॉइंट करके दिखा दूँगा, आप देख सकते हैं इस पर जैगुआर भी बना हुआ है क्योंकि ये जैगुआर ब्रांड की है और इसकी पूरी बॉडी अलॉय की बनी हुई है, नॉर्मल साइकिल्स की तरह आयरन की नहीं है। और वीडियो के एंड में बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना।